तो इस टॉपिक के अंदर हम आ, आगे मूव करेंगे जहां पर हमने प्रीवियस कंक्लूड किया है अपने प्रीवियस टॉपिक को और हमने देखा था कि काफी सारी स्पेसेस तो हमने इंश्योर कर ली थी मास्टर बेडरूम बेडरूम बट स्टिल अभी हमारे पास लिविंग एरिया की जगह हमने डेफिनेटली देनी है इसके साथ हमने स्टेयर्स भी इंश्योर करनी है जो ऊपर जाएंगी हाल तो हम डिज़ाइन नहीं करेंगे फर्स्ट फ्लोर को लेकिन फ़र्स्ट फ्लोर डेफिनेटली होगा आगे जाके बनाना भी पड़ सकता है तो स्टेयर्स uh, को हम इंश्योर कर लेंगे पाउडर रूम को हम डेफिनेटली देंगे तो इसके साथ साथ जो है देन uh, हम आगे मूव करेंगे तो फिर हम डोर्स uh, और विंडोज़ की स्पेसिज़ के ऊपर बात करेंगे कि उसको हम कितनी स्पेस देनी चाहिए क्विक वे में मैं बताऊँगा आपको किस तरह हम स्पेस को इंश्योर कर सकते हैं सो so, बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम uh, जहाँ पर हमने स्टॉप किया है प्रीवियस अपना uh, काम एंड किया है उससे आगे जो है वो कंटिन्यू करें सो so, यहाँ पे जो है हमने प्रीवियस अपना टॉपिक कंक्लूड किया है ये हमारे पास जो है वो जगह मौजूद है ये जगह भी मौजूद है अब यहाँ से जो कुछ हमारा बन चुका है घर का साइज़ वो ऐसा है कि यहाँ से हम एंट्रेंस देंगे यहाँ पे आपकी काफ़ी बड़ा कार पोर्च है ग्राज जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होंगी ये हमारी होगी एंट्रेंस जो मेन लॉबी है जहाँ से हम अंदर घर के अंदर दाखिल होंगे और ये हमारा फिर आगे प्राइवेट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा सो इस यहाँ पे जो है अब हम वट वी कैन डू इज़ के यहाँ पे अगर ओ oh, एंटर और हम सेवन फीट का दे दें ऑफसेट तो ये हमारे पास सेवन फीट है और ये नॉन लोड बेयरिंग वॉल होगी क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेयर्स और वो इंश्योर कर रहे हैं दो हमारी लोड बियरिंग वॉल के दरमियान हमेशा वॉल जो है वो नॉन लोड बियरिंग होती है तो यहाँ पे हम स्टेयर्स और पाउडर रूम और ये हमारा बन जाए किचन अब किचन जो है इसके अंदर डर्टी किचन को हम सेपरेट कर सकते हैं जहाँ पे हमारी मेन काम हो रहा होता है इसके साथ काफ़ी बड़ा किचन है इसके अंदर हम इंश्योर कर लेंगे चीज़ें तो ये हमारे पास कुछ स्पेस बनी है और अगर हम इसको ज़रा ट्रिम की कमांड लगाएं और थोड़ा सा क्लियर कर लें तो ये और क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आएगी सो यहाँ पे हम अंदर इस तरफ से दरवाज़ा इंश्योर करके पाउडर रूम भी दे सकते हैं ये हमारा ड्राइंग एरिया है और यहाँ पे ये हमारा लिविंग है अब आ, एक नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट और आपने देखा भी होगा आज तकरीबन डिफरेंट दि, बड़े शहरों में ये चल भी रहा है कि जहाँ पर आपका ड्राइंग रूम होता है उसके अंदर यहाँ पे वॉल के साथ हम एक कर्टन इंश्योर कर देते हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे भी कोई कर्टन इंश्योर करके तो इस एरिया के अंदर जो है हम कुछ चेयर्स और टेबल्स रख देते हैं ताकि इन केस आपका कोई जो गेस्ट एक आया है या ज़्यादा आए हैं और वो अगर खाना खाना चाहें तो आप क्या करते हैं अपने लिविंग एरिया को जो है वो ड्राइंग रूम से एक्सेस देकर अपने लिविंग एरिया के अंदर आप कोई भी एक स्पोर्ट दे आप जो है वो सिर्फ सर्टन कर्ल्टन को इंश्योर कर सकते हैं और उसके अंदर वो काइंड ऑफ प्राइवेट एरिया भी बन जाता है उन उनके लिए और वहाँ से आप इजीली सर्व भी कर सकते हैं क्योंकि आपका किचन भी सामने है तो हम भी अपने प्लान के अंदर क्विकली उसको इंश्योर कर लेते हैं बहुत ही आसान मेथड है कि सपोज ये जगह है और अब डिपेंड करता है कि मैं सबसे पहले तो ये एरिया छोड़ना कितना चाह रहा हूँ सो so, सपोज uh, मैं आठ uh, फीट ही छोड़ना चाह रहा हूँ सो ओ एंटर और एट फीट के ऊपर जो है हम यहाँ पे ये एक इंश्योर कर लेते हैं एक लाइन ये हमारे पास ये आ गई और इसको हम कर लेते हैं एक्सटेंड इस लाइन को तो ये हमारे पास जो है वो दो लाइंस जो है वो लग गई हैं बल्कि एक्सटेंड से बेहतर है हम इस लाइन को लगा ही लेते हैं और ये यहाँ तक आ जाएगी हमारे पास तो ये वो एरिया है इस एरिया को जो है हम यहाँ पे अब मैं एक और चीज़ पहले इंश्योर कर लेता हूँ सपोज मैं डायमेंशन अभी तो नहीं देख रहा आप अगर चाहें तो एग्जैक्ट डायमेंशन में भी काम कर सकते हैं कि ये जो है जगह है और यहाँ पर जो है हम इसको कर देते हैं ट्रिम इसको भी ट्रिम इसको भी ट्रिम और यहाँ पर हम कर्टन को या कुछ ऐसी चीज़ इंश्योर कर लेते हैं उसके डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के मेथड हैं लाइन एंटर करके और आर्थों को यहाँ से ऑफ कर दें हम तो ये हमारे पास एक मेथड है और ये मेथड शो करेगा कि ये जो है ड्राइंग रूम के अंदर से आपने एक्सेस दी है इस तरफ से भी कर देते हैं और हम और सेम हम एल एंटर करके इस तरफ से भी इंश्योर कर देते हैं तो नाव ये हमें इंश्योर इन्ष, कर रहा है कि ये वॉल नहीं है बट यहाँ पर कोई कर्टन लगा हुआ है और अब क्योंकि ये भी वॉल नहीं है तो हम इन दोनों को जो है वो एक लेयर क्रिएट करते हैं एल ए ऑलरेडी हमने लेयर्स में वर्क ये हमने बाउंड्री के अंदर सारा काम किया है और इसका नाम हम डॉटेड रख देते हैं लेयर को हमने डॉटेड करके इसको करंट लेयर ही बना लेते हैं तो ये हमारे पास डॉटेड है करंट है और ये यह हम यहाँ पे अदर्स में जाके और ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है वैसे लोड कर लेते हैं हम ये वाला और ये हमारे पास लोडेड है तो अब हम इन दोनों वॉल्स को सिलेक्ट करके और ये जो है इसको इंश्योर कर लेते हैं तो अब ये इंश्योर कर रहा है कि ये वॉल नहीं है बल्कि ये किसी स्पोर्ट सिस्टम में सिर्फ फंक्शनैलिटी और यहाँ पे रेक्टेंगल हम कोई स्पोर्ट्स सिस्टम भी शो कर देते हैं सो दिस इज़ हाउ जब भी आपने कभी शो करना होगा कि यहाँ पे वॉल तो अब क्या है कि ये ड्राइंग रूम है और इस ड्राइंग रूम में से ये जो है ये आपकी एक्सेस है और यहाँ पर आपके जो है वो मेहमान बैठ भी सकते हैं और अब हमारे पास काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं अब वो क्लियर हो गई हैं और इस तरफ से जो है वो Uh, हम इसको भी ट्रेम कर देते हैं इसको भी ट्रेम कर लेते हैं और और फ़र्दर हम देख लेते हैं एक बार गौर से कि फर्दर हमने कोई चीज़ अगर ट्रेम करने वाली आपकी रह गई है तो आई गेस ट्रीमिंग जो है हमारी वो काफ़ी हद तक हाँ इसको भी हम इंश्योर कर लेते हैं उसी तरह अब क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है नाइन इंच की वॉल की तो, क्योंकि हम ऑलरेडी जो है वो कंस्ट्रक्शन uh, कर चुके हैं तो फोर एंड फाइव की जो है वो ये हम इंश्योर कर लेंगे और इसको हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको भी फिलहाल एक्सटेंड कर लेते हैं और ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये हो जाएगा हमारा डिलीट इसकी ज़रूरत नहीं है और इसको भी हम यहाँ से एक्सटेंड कर लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके इसको हम ट्रिम कर लेते हैं एक्सटेंड और ट्रिम कमांड्स का तो ये हमारे पास इस वॉल की भी हमें ज़रूरत नहीं है थिकनेस की तो ये हमारे पास अब एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीट हो चुका है यहाँ पे अब हम इंश्योर कर लेते हैं पहले अब ये हमारे पास डी आए डिस्टेंस और लेट्स सी के हमारे पास ये है सेवन और दिस इज़ सिक्सटीन सो हम ओ एंटर और सेवन फीट uh, जो है हम इधर पाउडर रूम दे देते हैं उसको इधर से हम दरवाज़ा दे, दे देंगे और ओ एंटर और फोर एंड अ हाफ इंचज़ जो है क्योंकि तो ये वॉल भी नॉन लोड बेरिंग वॉल होगी दो लोड बेरिंग वॉल्स मौजूद हैं हमारे पास तो ये हमारे पास जो है इंश्योर हो गया कि इस तरफ से क्या है हमारा जो है वो ट्रिम हम कर लेते हैं इसको तो ये हमारा पाउडर रूम बन जाएगा पाउडर रूम वालेडी हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं और ये हमारे पास स्टेयर्स का एरिया है तो हम अगर लाइन की कमांड लगा के एल एंटर कर लें तो ये हमारे पास जो है वो लाइन की कमांड है ये सेंटर है स्टेयर्स का और हम यहाँ से अगर ओ एंटर करें और हम चाहें तो स्टेयर थोड़ा सा इस तरफ से भी स्टार्ट कर सकते हैं जगह काफ़ी है वन फीट अगर हम अंदर की तरफ आना चाहें तो भी कर सकते हैं सो तो डिपेंड्स के आप इसको किस तरह ले कर चलना चाह रहे हैं क्योंकि स्पेस हमारे पास इंश्योर्ड है और काफ़ी सारी है तो अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहें तो वी कैन वी कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एज वेल सो डिपेंड्स हम वापस भी आ सकते हैं तो ये हमारे पास जो है वो जगह है स्टेयर की तो अब हम क्या इंश्योर करते हैं यहाँ पे कि तो सेंट्रल लाइन ड्रा हो चुकी है हमारे पास और अब हम इसको जो है वो ओ एंटर और वन पॉइंट फाइव इंचज का जो है वो ऑफसेट दे देते हैं ऑन बोथ साइड ये उसका सेंट्रल जो है वो स्टेयर के आप जब देखते हैं कभी भी हम बना रहे होते हैं तो ये जगह आ गई और अब हम जो है वो ऑफसेट और राइज़र जो है वो एट इंच का रख लेते हैं ऑलरेडी भी हमने इस पर डिबेट की हुई है सो यहाँ पे करके मल्टीपल तो यहाँ पे जो है हम मल्टीपल स्टेप्स में इसको इंश्योर कर लेते हैं तो ये हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल नज़र आ रही है इसको ये नीचे से भी नहीं होना चाहिए तो इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं इधर से भी और ये सेंटर से भी नहीं होना चाहिए तो इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं और ऊपर से तो ये यह हम यहाँ पे टेक्स्ट में जब जाएंगे तो अप और डाउन uh, भी लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या है ये लैंडिंग एरिया है और इस तरफ से हम ऊपर जाएंगे ये हमारा पाउडर रूम है सो so इस तरह जो है एक घर की जो है बेसिक डिज़ाइनिंग हमने कम्प्लीट की है सो ऑनवर्ड टॉपिक के अंदर हम आगे मूव करेंगे डोर्स की विंडोज़ की स्पेसेज फिर विंडोज़ और डोर्स प्लेस करना और देन डेफिनेटली टेक्सटिंग और उस पर जाके हम इसको कंक्लूड करेंगे तो so इस टॉपिक के अंदर हमने कंक्लूड किया है अपने टॉपिक को और हमने बेसिक जो है वो डिज़ाइनिंग मुकम्मल कर ली हुई है लेआउट आउट हम डिज़ाइनिंग कहते हैं स्पेसेस इंश्योर हैं अब हमारे लिए इंतई आसान काम है विंडोज़ डोर्स को इंश्योर करेंगे और इसके बाद डेफिनेटली टेक्सटिंग और जो इसके अदर नेसेसरी एलिमेंट्स हैं वो कम्प्लीट होंगे तो हमारा एक हाउस प्लान कम्प्लीट हो जाएगा